अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही असम छत के हवाले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं और आई होप कि इंशाल्लाह ताला आपको ये इन्फॉर्मेशन भी हमेशा की तरह से बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए भी अच्छी साबित हो सकती है और आपके दोस्तों के लिए भी अच्छी साबित हो सकती है। और 6000 रुपये में एक छत डलवाना, क्या आप सोच सकते हैं? आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तो महंगाई में खाना पीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और छत डलवाना तो दूर की बात है। जी हाँ बिल्कुल, छत डलवाना तो दूर की बात है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चार दीवारी तो बना लेते हैं, लेकिन जब सवाल आता है छत का, इस सिलसिले में वो सोचना शुरू कर देते हैं छत कौन सी डलवानी चाहिए, RCC लेंटर वाली डलवानी चाहिए। अब लेंटर वाली के हवाले से अगर बात करें तो सरिया भी है, सीमेंट भी है, बजरी भी है, रेती भी है और शटरिंग भी है। इतना सारा खर्चा एक छत पर कौन अफोर्ड कर सकते हैं? इसके बाद दिमाग पे ख्याल आता है कि जो सीमटी टाइल्स वगैरह होती हैं सीमेंट की बनी हुई और गटर वगैरह होते हैं, फिर जहन में आता है कि वो अप्लाई करवा दें, उनमें भी ख़र्चा तकरीबन 50,000-60,000। और लेंटर RCC के हवाले से बात करें 1.5-2 लाख। लेकिन आज की वीडियो में जो आपको बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपये में एक कमरे का ख़र्चा आ रहा है। जी हाँ, 6000 रुपये में। सोचने वाली बात है, 6000 रुपये में छत डल रही है यार। जी हाँ बिल्कुल, 100% पाकिस्तान में पहली बार। जी हाँ पहली बार पाकिस्तान में पहली बार, बार बार कह रहा हूँ कि भाई पहली बार आ चुका है फाइबर शीट, जो कि एक कमाल की शीट है और इसकी कंपनी वारंटी आपको दे रही है पूरे 50 साल। 50 साल तक आप इसे इजीली अपने छत पर अप्लाई करवा सकते हैं और ये ट्रांसपेरेंट भी आ रही है और विदाउट ट्रांसपेरेंट भी आ रही है। ट्रांसपेरेंट से क्या होगा कि आप अप्लाई करवाने के बाद छत के आर पार भी देख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट सूरज को देख सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं, आसमान के रंग बिरंगे रंग देख सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट आसमान को देख सकते हैं और बादल हैं या फिर आसमान साफ है ये भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ विदआउट कलर, और कलर भी वेरिएंट इसमें मौजूद है और ट्रांसपेरेंट प्लस विदाउट ट्रांसपेरेंट वेरिएंट भी इसमें मौजूद है। कोई सा भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रांसपेरेंट टाइप का ना लेना है, नहीं फॉर एग्जांपल आपको पसंद, तो आप विदाउट ट्रांसपेरेंट शीट भी ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सीमेंट की चादरें छत पर अप्लाई करवाई जाती हैं और वह भी काफ़ी हद तक जो है अब एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। और इसके अलावा हैदराबाद तक भी इसकी पहुंच है सीमेंट की चादरों से रिलेटेड अगर बात की जाए। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सीमेंट की चादरें आपको देखने को अब नहीं मिलेंगी। जी हाँ, अब नहीं मिलेंगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है और कराची और उसके मुज़ाफ़ात में भी अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है और हर कोई अब जो छतें डलवा रहा है मजबूरी के तहत, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल पैसे इकट्ठे कर RCC की छतें डलवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ आप एक महीने की तनख्वाह, बल्कि आधी तनख्वाह से आप अपनी छत यहाँ पर डलवा सकते हैं। और ये है फाइबर शीट, और फाइबर शीट के मुख्तलिफ वेरिएंट भी यहाँ पर आ रहे हैं और मुख्तलिफ साइज़ भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप किसी भी साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वेरिएंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने शहर के किसी भी शॉप पर आप जाकर फाइबर शीट फॉर रूफ आप उन्हें कह सकते हैं, यानी कि आप छत वाली सीलिंग जो है, सीलिंग नहीं फाइबर शीट। जी हाँ, सीलिंग अक्सर दोस्तों के जहन में और मेरे माइंड में भी अचानक से सवाल आ गया सीलिंग को लेकर। ये सीलिंग नहीं है, ये रूफ है। जी हाँ, रूफ शीट है और चादर भी इसे कह सकते हैं। और ये जो है आपकी छत पर डायरेक्टली अप्लाई होती है और बिल्कुल वाटरप्रूफिंग, तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि वाटरप्रूफिंग ये देगी या नहीं देगी, 100% वाटरप्रूफिंग है और 50 साल वारंटी दावा करती है कंपनी की वारंटी, हम 50 साल तक दे रहे हैं। और 50 साल तक इस पर कोई भी धूप, कोई भी माहौल, किसी भी टाइप का माहौल हो, आंधी हो, तूफान हो, और यहाँ पर इस पर असर अंदाज नहीं होने वाला। और बात करते हैं क्वालिटी वाइज के हवाले से, तो माशाल्लाह से इसकी क्वालिटी जो है वो कमाल की है, फिनिशिंग कमाल की है और इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और अब
मैं आपसे बड़ी बात नहीं कहना चाहता, आप अपने इर्द गिर्द जो भी न्यू तरक्याती मकान बन रहे हैं, बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली को लेकर, तो आप उनकी छतों को जाकर गौर से देखें, वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी बात नहीं करता, यही आपको नज़र आने वाली है, फाइबर ट्रांसपेरेंट शीट प्लस विदाउट ट्रांसपेरेंट शीट। जी हाँ, मुख्तलिफ वेरिएंट के साथ आपको नज़र आने वाली है, क्योंकि इसका रुझान 2022 में अब बढ़ता जा रहा है और 2022 में ही ये लॉन्च करवाई गई है। और पहले की अगर बात की जाए तो पहले वुडन भी थी और इसके बाद फाइबर शीट आई, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हद से ज़्यादा अरूज पर है और हर कोई इसे यूज़ करने पर मजबूर हो जाता है। प्राइस भी इतनी कम है और इस पर इंसान ऊपर छत पर चल भी सकता है। यार अगर बात की जाए चलने से रिलेटेड, तो ट्रांसपेरेंट अगर इंसान चल रहा है तो किस तरीके से रिएक्शन आएगा, यार मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी मजबूती जो है वो कमाल की मजबूती है और सोचना तो दूर की बात है, आप तसव्वुर तक नहीं कर सकते कि इसकी मजबूती एक चादर पर तीन इंसान तक भी खड़े हो जाएं तो एक चादर टूटने का नाम तक नहीं लेने वाली। इसीलिए ये पाकिस्तान में हद से ज़्यादा मकबूल और मारूफ हो चुकी है। और मिडिल क्लास फैमिली के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उनकी मजबूरी है ये और मजबूरी बन भी चुकी है। और रिच फैमिली को लेकर अगर मैं बात करूं तो वो भी अक्सर लोग जो हैं ये अप्लाई करवाने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और देखने में भी अच्छी लगती है और फिनिशिंग भी कमाल की है, सस्ती भी है, हर लिहाज से ये करामत है। और अब जो चाह रहे थे कि आरसीसी की छत डलवाए, वो भी ये छत डलाने पर मजबूर हो चुके हैं। और आंधी और तूफ़ान का भी सामना ये इजीली कर सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका जो वेट है इतना ज़्यादा हल्का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा भारी है और जिसकी वजह से ये आपको मजबूती छत पर प्रोवाइड करती है। और अक्सर दोस्तों के जहन में ये भी क्वेश्चन ज़रूर होगा कि मैं भी हो सकता है कि हद से ज़्यादा तूफ़ान आए कि छत उड़ जाए, सीमेंट की चादरें भी उड़ जाती थी, ये भी उड़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके बहुत ही ज़बरदस्त शानदार क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जा रही है। और तूफ़ान जितना भी आए, और ये वाइंड प्रूफ भी है, जितनी भी ज़्यादा तेज़ हवा आ जाए ये वाइंड प्रूफ है, आपकी हवा जो है इसमें से निकल जाएगी और इसको जूं तूं तक नहीं, खरोश तक नहीं पहुँचाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो किसी भी शॉप पर, किसी भी मार्केट में जाकर आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगेन इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।